हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस दिवाली इज ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली फॉर एवरीवन। माय नेम इज अंकित कुमार एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो शुरू करते हैं एक नए व्लॉग को एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव सोच के साथ, बिकॉज ऑफ जो आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा है कि मेरी एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो इस बार 884 वैकेंसी IUPS बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एग्जाम एंड अपकमिंग 2 वीक्स, बिकॉज ऑफ कि आज जो वीडियो भी मैं शूट कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, उसमें मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि अपकमिंग 2 वीक्स की मेरी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी इट मीन्स कि अभी अपन कनेक्ट करेंगे इन 2 वीक्स में, रेगुलर रहेंगे कि व्हाट आई डू एंड व्हाट वी कैन। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो अभी जो एग्जाम है इसमें 3 फेजेस होंगी। फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम, सेकंड वन मेंस एग्जाम एंड थर्ड वन इंटरव्यू एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर प्रीलिम एग्जाम, बिकॉज मैंने पहले एग्जाम दिया था उसमें मेरा प्री एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ मैं इंग्लिश में 0.35% से रह गया था। सो दिस ईयर आई वांट टू क्लियर दिस एग्जाम एंड वी कैन डू इट। सो मुझे इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए और इसके रीजनिंग के लिए मुझे क्या क्या करना होगा वो मैं डिस्कस करता हूँ। क्वांट के लिए और इन सभी के लिए मैंने मोस्ट टॉपिक चूज कर लिए हैं कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पे कितना कैसे क्या टाइम देना है। सो आई वांट टू डिस्कस विद यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के लिए मैंने न्यूज़पेपर फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है, देन उसके बाद में पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट एंड एरर डिटेक्शन। ग्रामर का पोर्शन बहुत कम रखने वाला हूँ, बिकॉज ग्रामर के बहुत सारे रूल्स होते हैं। सो मैंने जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है उसको बेस्ट प्रायोरिटी रखी है। एंड देन आफ्टर क्वांट के लिए मैंने फर्स्ट डीआई से पहले मैंने रखे हैं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिफिकेशन, नंबर सीरीज। देन आफ्टर आई चूज वन टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन, बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड इन सब में कैलकुलेशन जो स्पीड मैथ है वो मैं कवर कर लूंगा। देन आफ्टर आई अप्लाई इन दिस पोर्शन डाटा इंटरप्रिटेशन, देन आई क्लियर दिस टॉपिक। एंड लास्ट वन इज रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने मोस्ट ऑफ सारे टॉपिक ले लिए हैं, बस वो नहीं लिए हैं पजल्स, जो बड़े बड़े पजल्स होते हैं उनको मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा एग्जाम में, बिकॉज रीजनिंग का जो ऐसा पोर्शन है वो मेरी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो क्लियर करवा देता है। सो रीजनिंग में मैं मोस्ट ऑफ सारे टॉपिक को टारगेट करने वाला हूँ। एंड इन सब के लिए मैं रेगुलर एक स्ट्रेटेजी रखूंगा कि किस टाइम कैसे रखना है, बिकॉज मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में बताया कि मैंने एक दिन में सिलोज में कंप्लीट करने का टारगेट लिया था कि 4-5 घंटे का था टॉपिक, तो वो मैंने लिया शाम को नेगेटिव हो गया था, बिकॉज ऑफ बड़े टारगेट लेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होंगे। सो आई वॉन्ट टू टेक सम स्मॉल टारगेट एंड फिनिश दिस। एंड देन आफ्टर आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू दैट कि इन दिनों में मेरे में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या मैं करने वाला हूँ और कैसे मैं रेगुलर रह पाऊंगा, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मैं कंटिन्यू रहूंगा इस व्लॉग के जरिए। यदि मैं नहीं करूंगा तो मैं व्लॉग पे क्या डालूंगा, व्लॉग में नहीं डालूंगा तो फिर मेरी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। जैसे मैंने पहले जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है तब मैंने ये रखा है कि मैंने 30 दिन का टारगेट लिया, लेकिन अब ये फेस्टिवल आ गया दिवाली का, तो इस वजह से अभी देखो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस लाइब्रेरी में सिंगल पर्सन हूँ, तभी मैं लाइब्रेरी शूट कर पा रहा हूँ, वरना लाइब्रेरी में इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। सो वैसे मैं आज शाम को जाऊँगा वहाँ पे भैया के पास, यहाँ पे शाली। तो अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, देन मैं स्टडीज सारी कर ली है, मैं अभी जस्ट वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं इंग्लिश को स्टार्ट कर लूँगा, बिकॉज अभी कल का है फेस्टिवल, देन उसके बाद कंटिन्यू होगा, तो एंड टाइम भी बहुत कम है। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू माय स्ट्रेटेजी ऑन ग्राउंड, बिकॉज मुझे बहुत टाइम हो गया ये सब करते हुए, अब मुझे करना ही है। एंड वी कैन डू इट एंड आई डू डेफिनेटली, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। सो लेट्स अपन व्लॉग ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ 5-6-7 मिनट का रखेंगे, एंड देन मिलते हैं अपन धीरे धीरे कितनी अपने प्रोग्रेस होती है, कितना बोल पाता हूँ, कितनी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, कितना मैं मेरी जो थ्योरेटिकल है जो मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उनके रहेगा। और मैंने अभी इस वीडियो में आपसे मैन एग्जाम के बारे में बात नहीं करी कि मैन एग्जाम्स की मैं कैसे तैयारी करूँगा, तो मैन एग्जाम्स के लिए अलग वीडियो का, लेकिन अभी छोटी इतना सा है कि मैं मैंस एग्जाम के लिए अभी से कंटिन्यू करूँगा, डेढ़ दो घंटे 3 घंटे मैं रेगुलर एग्जाम को दूंगा। एंड आई वॉन्ट टू थिंक दैट
या आप लोग भी सजेस्ट करो कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुझे एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का वो जो उन्होंने टोटल वीडियोस वगैरह दिए हैं 3000 के, उनका कुछ ऐसे कॉस्टली या मतलब ऐसे कॉस्ट का एक सिलेबस है वो दे रहे हैं, वीडियोस हैं, नोट्स हैं, कंप्लीट सारी चीज़ें। सो यू ऑल आर सजेस्ट मी दैट मुझे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देन अभी इस वीडियो को अपन यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप मेरे ब्लॉग्स को इन्जॉय करेंगे और मेरे साथ खुद को भी कनेक्ट कर पाएंगे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। सो गाइज, मैंने व्लॉग एंड कर दिया था लेकिन एक अपडेट देना मैं भूल गया था कि अभी जैसे कल मैंने बात करी थी आप लोगों से कि मेरा जो पहले एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आने वाला है कल शाम तक। सो आज वो शाम आ भी गई है, तो देखते हैं अब कैसा क्या रिजल्ट रहता है। बाकी अभी हॉस्टल में मैं अकेला हूँ तो फीलिंग थोड़ी सी अजीब सी आ रही है, वैसे देखते क्या होता है रिजल्ट का। सो ये मैं इफ़ आज रिजल्ट आया तो ये मैं कल वाले व्लॉग में ऐड कर दूंगा कि क्या रहा था मेरा रिजल्ट। सो एंजॉय माय व्लॉग एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।